इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर भवन से आ रही है, जहां पर मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हो रहा है पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं किस तरह से भिड़ंत हो रही है, पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर रही है और ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन अपना जारी रख रहे हैं। अभी भाग दौड़ वहां पर मच गई है और उरखुल में धारा 144 का विरोध कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी, और इस विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने इन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। अभी इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बात करेंगे और इस पर जानकारी देंगे। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इन पर लाठी चार्ज हो गया जो प्रदर्शनकारी हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं और लगभग एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो निश्चित तौर पे अचानक मणिपुर के कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे मणिपुर भवन के सामने और वो मिलना चाहते थे जो रेजिडेंट कमिश्नर है उनसे। उनका कहना था कि वो एक ज्ञापन देंगे, जो 5 दिन पहले मणिपुर में एक शख्स की हत्या हुई है उस मामले को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए। लेकिन जैसे ही रेजिडेंट कमिश्नर उनको पता चला कि वो नहीं है इस समय दफ्तर में मौजूद, वो लोग अचानक हंगामा करने लगे थे, जिसके बाद से बड़ी संख्या में पुलिस बल आई, पैरामिलिट्री फोर्सेज आए और जिस तरह से ये हंगामा कर रहे थे, एक बस को तोड़ रहे थे, इन लोगों पे लाठी चार्ज किया गया उसके मद्देनजर, और लगभग एक दर्जन लोगों को इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हिरासत में लिया गया है, यानी कि उनको डिटेन कर लिया गया है। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसकी वजह तो आपने बताई, लेकिन साथ साथ ये जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं जो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि इस तरह की जब प्रदर्शन होते हैं तो लोगों पर इस तरह डंडे बरसाने की शुरू हो जाते हैं, क्या आराम से बात की जा नहीं सकती थी पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज अचानक बुलाए गए थे, निश्चित तौर पे शुरुआत करनी चाहिए थी कि इनसे बातचीत आराम से की जाए, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि उन्होंने ये कोशिश जरूर की थी, लेकिन इनकी तरफ से जो उग्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद से ये लाठीचार्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस घटना के बाद से ही लगभग एक दर्जन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, इनसे लगातार पूछताछ जारी है। जी, तो जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो भगदड़ वहां पर मची हुई है, ऑफ कोर्स वहां पे और भी चीजों का नुकसान हुआ होगा, जिस तरह से आपने बताया कि बस में इन्होंने तोड़फोड़ की, क्या कुछ और भी क्षतिग्रस्त हुआ है, किसी और चीज को भी हानि पहुंची है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पूरा इलाका चाणक्यपुरी का इलाका है, काफी बहुत इलाका है और संसद के बिल्कुल पास का ये इलाका है। एक साथ इतने बड़ी संख्या में इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना कि निश्चित तौर पे कहीं कहीं इंटेलिजेंसी की फेल्योर मानी जा सकती है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है पुलिस ने।